4 अगस्त को पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष एवं आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण जी के जन्मदिन को योग परिवार ने जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया। योगपीठ के 5 प्रकोष्ठों भारत स्वाभिमान, पतंजलि योग समिति, युवा भारत, महिला पतंजलि योग समिति और पतंजलि किसान सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने रविवार को गोलघर स्थित इंदिरा बाल विहार पार्क पर जड़ी बूटी समारोह का आयोजन करके औषधीय पौधों वनस्पतियों के लाभ, उपयोग एवं आवश्यकता बताते हुए निःशुल्क पौधों का वितरण किया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे और विशिष्ट अतिथि उद्यान अधीक्षक बलजीत सिंह मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा कि योगपीठ के इन योगी भाई बहनों का यह कार्य सराहनीय है एवं अनुकरणीय है। शरीर एवं पर्यावरण दोनों की देखरेख में वनस्पतियों का बड़ा योगदान है। यह हमारी जीवन शैली में, हमारे किचन, पूजा पाठ सभी में समाया हुआ है। वनस्पतियों में सुंदरता एवं स्वास्थ्य दोनों ही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे और भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी हरि नारायण धर दुबे ने कहा, इस जड़ी बूटी स्टॉल पर आप सभी का हो गया तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं और अपने रोगों के अनुसार, अपने जरूरत के अनुसार आप चर्चा करें, उसके अनुसार ही पौधा ले जाए तो आपके लिए फायदेमंद होगा। ये एलोवेरा का पौधा है और शरीर के बहुत सारे दोषों को दूर करता है। स्किन डिजीज दूर होती है, इम्यून सिस्टम फिर से ठीक होने लगता है। पर्याप्त है इसको। पतंजलि योगपीठ के संस्थापक श्री बालकृष्ण जी का जन्मदिन है। लोगों को स्वस्थ रखने के लिए पतंजलि योग का विस्तार प्रचार प्रसार करता है और लोग स्वस्थ रहें, अपने आसपास की जड़ी बूटियों को पहचाने और उससे भी लोग स्वस्थ रहें, जो बीमारियां उसे दूर करें, इसके लिए आज जड़ी बूटी दिवस के रूप में मना रहा है और उसी के उपलक्ष्य में ये लोग यहाँ पे बांटा जा रहा है। मुझे आमंत्रित किया, मैं भी यहाँ आई हूँ और यही कहना चाहती हूँ कि वास्तव में हम उस पद्धति को क्यों भूलते जा रहे हैं जो हमारे देश की पहचान है। हमें अपनी संस्कृति से लखे, अपनी संस्कृति को पहचान के पूर्णता के साथ रहना चाहिए और आसपास के जो ये पौधे हैं उनके अंदर कितनी औषधियाँ उसे हमें जानकारी होनी चाहिए। और हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ पतंजलि परिवार का कि जो इस अभियान को आज अपने संस्थापक के जन्मदिवस को इतनी खुशी से जड़ी बूटी दिवस के रूप में मना रहे हैं। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और आपके चैनल का आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने अच्छे कार्यक्रम को प्रस्तुत कर औरों को स्वस्थ रहने की प्रेरणा जो दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि नारायण धर दुबे, जिला प्रभारी, पतंजलि योगपीठ भारत स्वाभिमान गोरखपुर। पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष और योग और आयुर्वेद के विषय में लेकर के चरक, महर्षि चरक की जो चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है उसको वर्तमान में फिर से जागृत करने वाले आचार्य बालकृष्ण जी का जन्मदिवस है। पूरा पतंजलि परिवार इनके जन्मदिवस को जड़ी बूटी वितरण समारोह के रूप में मनाता है और इनके जन्मदिवस से आज 4 अगस्त के 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक छोटे बड़े वृक्षारोपण के कई कार्यक्रम होते रहते हैं। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है जिन जड़ी बूटियों को हम खर पतवार समझ कर नष्ट कर देते हैं या काट के फेंक देते हैं, उनकी पहचान करें कि ये क्यों हमारे लिए आवश्यक है। भारत एक भूमि ऐसी है कि किसी मौसम में जो बीमारियां पैदा होती है उन बीमारियों के इलाज की जड़ी बूटी पहले से तैयार होती है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम उसको पहचानें, उसका संरक्षण करें। जानेंगे नहीं तो हमारे लिए वो झाड़ी झंखाड़ इसी की तरह से है। पूज्य आचार्य जी हैं, इन्होंने इस विषय में 41 शोध पत्र इनके प्रकाशित हुए हैं। विश्व में कई देशों ने, यूएनओ ने इनको सम्मानित किया है और आज विश्व की आयुर्वेद को लेकर के जो सबसे बड़ी योग का संस्थान जो स्थापित किया है पतंजलि ने, आप उसके मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं।